हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी भी मेरी तरह ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ सॉरी मैंने पहले भी अपलोड की थी सिंपल मेकअप की वीडियो तो मुझे किसी कारण वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी तो उसके लिए सॉरी तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी सिंपल मेकअप है मैं दोबारा से अपनी वीडियो को अपलोड करूँगी वैसे उस वीडियो में कुछ कमी नहीं थी बट था कुछ जिसके कारण मुझे वो डिलीट करनी पड़ी इसलिए मुझे कमेंट्स भी आए थे कि बोलते कि आपने वीडियो डिलीट क्यों की तो मैंने बोला कुछ कारण था इसीलिए मैंने डिलीट कर करी वो वीडियो तो फ्रेंड्स तो मैं आज की वीडियो अपनी शुरू करती हूँ जो मेरा आज का टॉपिक है वो भी है वही वही है जो मैंने डिलीट किया था बट आज थोड़ा मैं आपको हट के बताऊँगी कि सिंपल मेकअप कैसे किया जाता है जैसे आपको पार्टीज में जाना है तो ज़्यादा हैवी मेकअप तो कोई करता नहीं है आई होप तो सिंपल ही करता है तो मैं सिंपल ही बताऊंगी आपको सिर्फ़ फ़ोर चीज़ों से आप फोर चीज़ों से आप सिंपल मेकअप कर सकते हैं घर बैठे तो बताती हूँ मैं सबसे पहले इंट्रेक्शन करवाऊँगी मैं आपको अपनी जो मेरे पास है कॉस्मेटिक उससे तो चलिए बताती हूँ आपको तो सबसे पहले लगाएंगे हम क्रीम तो ये है लोटस की सेफ सन वाली तो एस पी एफ़ ट्वेंटी फाइव वाली है ट्वेंटी फाइव ये मॉइस्चराइज का काम करती है आपके फेस पे अगर आपके पास और भी कोई क्रीम है तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हो मेकअप करने से पहले हमें यही क्रीम अप्लाई करनी है मॉइस्चराइज वाली क्योंकि ये हमारे स्किन के लिए बेटर होती है तो हम इसमें जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो करेंगे हम लेकमी नाइन टू फाइव वाली ठीक है तो ये सीसी वाली है तो हम इसे अप्लाई करेंगे तो अगर आपके पास फाउंडेशन है तो आप फाउंडेशन अप्लाई करना अगर आपके पास सीसी क्रीम है तो आप इसे अप्लाई करना क्योंकि फाउंडेशन और जो सीसी -सी क्रीम है ये सेम से रहती है तो और थर्ड स्टेप जो करेंगे हम तो थर्ड स्टेप लगाएंगे हम इस पर तो ये रहा फेस पाउडर तो ये भी रहा फेस और ये रहा आई शेड तो हम आई तो इसे हम आइस के ऊपर अप्लाई करेंगे जो ये इधर है जितने भी है आपको जो भी इनमें से कलर अच्छे लगे तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो और इधर जो थ्री डॉट्स है इसमें है लिपस्टिक आप इसे भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास और लिपस्टिक है तो आप उसे भी कर सकते हो तो तो मेरे पास है यहाँ पे ये वाला है तो ये है ब्लू हेवन वाला मैट लिप मैट लिपस्टिक है कलर वाला है तो आप यहाँ देखो लुक एट दिस तो ये वाला लिपस्टिक भी बेटर है बट आपके पास कोई भी हो घर पे तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो तो और हम आई ये करेंगे यूज़ ये वाला है नेक्स्ट और थ्री थर्टी सिक्स एच वाला है मतलब यह वाला है हवर तो आपका रहेगा ही रहेगा फेस पे अगर आपकी आंखों में पानी भी चला गया तब भी ये मतलब उतरेगा नहीं है आपकी आंखों से अगर आप इसे यूं यूं करके रगड़ के निकालोगे तो आपके फेस से तब जाके निकलेगा नहीं तो ये बहुत ही अच्छा वाला आई लाइनर है पेंसिल वाला है पेंसिल तो नहीं पेंसिल तो नहीं है बट लिक्विड वाला है लिक्विड जैसा है तो आपको मैं पहले दिखाई देती हूँ उसको तो यहाँ देखो तो ऐसा है ये पेंसिल की तरह नहीं है बट आगे से नोक इसकी पेंसिल की तरह है। तो चलिए करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट तो सबसे पहले लूंगी मैं अपने फेस पे मैंने बताया था आपको मॉइस्चराइज क्रीम तो हम इसे पहले अप्लाई करेंगे अपने फेस पे तो देखिए मेरे फेस पे अभी कुछ भी यूज़ नहीं किया है जैसे मैं शावर लेके आई हूँ मैंने बाल भी गिले गिले समेट लिए है पीछे को तो फिर चलो हम स्टार्ट कर देते हैं तो हम इसे डॉट डॉट करके लगाएंगे तो अप्लाई करने के लिए सही रहेगा दिस हमने अप्लाई कर दिया है अच्छी तरह से मॉइस्चुराइज क्रीम ये हमारे स्किन पे नमी बनाए रखती है तो हो गई है अब हम ऐड करेंगे इस इसमें नाइन टू फाइव ब्लैक मी वाली सीसी जो क्रीम है तो मैंने आपको बताया है कि ये फाउंडेशन का काम भी करती है ये फाउंडेशन की ही तरह होती है वैसे चलो अप्लाई करके देखते हैं तो हम ज़्यादा इसे आईज़ के नीचे अप्लाई करेंगे क्योंकि ये कंसीलर का काम भी करती है और यूं करके मतलब डॉट डॉट करके अप्लाई करेंगे और आईज़ के ऊपर भी लगाएंगे तो देखो आप भी इवन करके लगाना डॉट डॉट करके तो अगर आप नेक एरिया में भी यूज़ कर सकते हो तो आप लगा सकते हो इसे नेक एरिया ने के नेक एरिया में तो चलो हम करेंगे ब्लेंडर का यूज़ तो ब्लेंडर से मतलब तो जो हमारी फेस में क्रीम है वो अच्छी तरह से मैट होगी मतलब समझ होगी तो चलिए करते हैं तो टैप टैप करके करेंगे हम इसे जो मेरी पहली की वीडियो थी उसमें भी कोई कमी नहीं थी बट वो हो गई किसी वजह से डिलीट तो मुझे उसका भी बहुत दुख है क्योंकि देखिए आपका एक साइड से एकदम से होगी ये क्रीम अप्लाई फेस पे तो हम करेंगे इस साइड भी टैप टैप करके तो आइस क्यूब नीचे हमने ज़्यादा लगाया है क्योंकि ये कंसीलर का काम करती है तो हमें कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर अप्लाई करने की तो मैंने पे भी अप्लाई कर लूँगी थोड़ा बहुत अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप फिंगर से भी इसे फेस पे अप्लाई कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है नेक्स्ट टाइम आपको मैं बताऊंगी अपनी वीडियो पे कि बाल स्टेट कैसे करते हैं मतलब किस तरह से आपको अपने बाल के पार्टीशन निकालनी है और कितने कितने करके आपको अपने बाल लेने हैं तो आपको नेक्स्ट टाइम मैं उसे भी बताऊंगी अगर किसी के बाल मोटे हो अगर तो पतले हो तो वो तो कर सकता है खुद से भी बाल मोटे हो मेरी तरह तो वो खुद से नहीं कर सकते हैं ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हम सिंपल वाला मेकअप कर रहे हैं तो देखिए यहाँ से ज़्यादा अप्लाई करेंगे हम चलिए हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है देखें फिनिशिंग आ गई है एकदम से अच्छा लग रही है हमारी स्किन तो हम थर्ड स्टेप यूज़ करेंगे थर्ड स्टेप पे हम यूज़ करेंगे बताया था अब मैंने आपको फेस पाउडर आप कोई भी कर सकते हो इधर चमकीला इसमें चमकीला चमकीला जैसे अगर आपने अपने फेस पे थोड़ा सा चमकीला चमकीला ना तो आप चमकीला वाला यूज़ कर सकते हैं अगर आपने सिंपल करना है तो हम हम सिंपल करें तो हम सिंपल वाला फेस पाउडर यूज़ करेंगे इस पर वेयर मैरिज के लिए सिंपल मेकअप सही है अगर आप पार्लर में नहीं करना चाहते हो घर पे ख़ुद से करना चाहते हो तो आप यूँ करके कर लेना अप्लाई अपने फेस पे फोर चीज से भी बहुत वो होता है हमारे फेस पे चलो अब हम आई शेडो यूज़ कर लेते हैं तो हमारे पास है इसे तो हम इसे यूज़ करें तो मेरा जो मैं जो अप्लाई करती हूँ हमेशा मैं यू ये करती हूँ ब्राउन कलर का या फिर यहाँ ब्लैक ब्लैक जैसे मेरे को ये दो बहुत ही अच्छी लगते हैं बाकी तो इसमें पिंक पिंक है थोड़ा मेरे को उतने अच्छे नहीं लगे तो चलो मैं ये इसी अप्लाई करती दू यहाँ पे देखिए लग गया मेरी आंखों के ऊपर ब्राउन ब्राउन सा इतना ब्यूटीफुल लगता है ना अगर आपके पास आई शेडो वगैरह नहीं है तो आपके पास लिपस्टिक होंगे तो आप उसे भी हल्के हल्के मतलब फिंगर से टैप टैप करके लगा सकते हो आइज के ऊपर तो चलिए ये भी हो गया हमारा तो अब थर्ड स्टेप यूज तो हम फोर्थ स्टेप यूज करेंगे लिपस्टिक ब्लू हेवन वाला मैट लिपस्टिक है ये मेकअप तो कोई भी कर सकता है पर उसका उसे यूज़ करने का सही तरीका आना चाहिए पहले नहीं तो आपका फेस एकदम से भद्दा सा दिखना दिखेगा अगर आपको आप ज़्यादा भी लोगे किसी चीज़ को इनमें से या फिर कम लोगे किसी को ज़्यादा लिया फिर आपका सही नहीं लगेगा फेस फेस के अकॉर्डिंग ये लेना है हर चीज़ तो चलो लिपस्टिक लगा लेते हैं तो ये मैट वाले लिपस्टिक है थोड़े बाहर से फिर इसे साफ करना मुश्किल हो जाता है तो आप सोच समझ के ही लगाना इसे चलिए हमारा लिपस्टिक भी हो गया लगा के रेडी तो जो रहा हमारा लास्ट स्टेप वो है आईलाइनर ये लगाने में बहुत इजी है इस वाला जो दूसरा होता है लिक्विड वाला वो अगर मतलब आंखें थोड़ी भी हिलाएंगे तो फैल जाता है ऊपर आइज़ के ऊपर को तो इसे हम आसानी से लगा सकते हैं अपने फेस पे तो चलिए तो लगा लिया है हमने इसे तो जो यहाँ पे है मैं एक पिंक सा लूँगी तो चीक्स पे लगाऊँगी तो हमारे जो चीक्स है थोड़े पिंक पिंक से लगेंगे तो मैंने ब्रश में ले लिया है तो चलिए तो हमारा मेकअप हो गया एकदम से रेडी तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं लुक <laughs> तो मेरे बाल अभी गिले ही है तो फ्रेंड्स मेरा मेकअप हो गया है लगा के रेडी तो आपको मेरे फेस पे कुछ तो अलग सा लग रहा होगा अभी तो सिंपल सा मेकअप पे प्रिटी लगेगा आपके फेस पे तो सर्दी बहुत हो गई है तो मैंने स्वेटर भी डाली है और बाहर से जैकेट भी डाला है तो मैंने अपलोड की थी वीडियो की बर्फ़ भी पड़ गई है पहाड़ों पे। तो चलिए आपको क्लोज करके दिखाती हूँ मैं अपना मेकअप तो ये रहा आई लाइनर तो देखिए थोड़ा भी भद्दा नहीं लग रहा है जो हमारा फेस है अगर आप सही से करोगे तो आपका फेस एकदम से क्लीन दिखेगा जैसा मेरा दिख रहा है आपको भी तो देखिए कितना पीटी लग रहा है ना अभी फेस मेकअप करके तो फ्रेंड्स आप भी ट्राई कर लेना एक बार कि आपका आपका फेस भी ऐसे लगेगा अगर आपको पार्टी वगैरह में जाना है तो तो मैं आज की अपनी वीडियो को यही करती हूँ ख़त्म तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो जरा सी भी पसंद आए सिंपल मेकअप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और जो मेरे मेरे चैनल पर न्यू विज़िट कर रहा है तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको और मेरा सिंपल मेकअप कैसा लगा तो चलो लेते हैं आपसे विदा तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ ओके टेक केयर